मंगलवंती स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर ओलंपिक मूवमेंट या ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन एंड द टॉपिक इज एनिशेंट ओलंपिक यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेल। ठीक है, एनिशेंट ओलंपिक नोबडी कैन से विद सर्टेनली दैट व्हेन द एनिशेंट ओलंपिक गेम्स बिगन। ठीक है, देयर आर वेरियस टेल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ दीज गेम्स इन एनिशेंट ग्रीक स्टोरीज। ठीक है, पहले कहते हैं एनिशेंट टाइम में जो यूनान का जो क्षेत्र था, जो उसके राज्य था, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिन्हें सिटी स्टेट बोला जाता था, और उन सिटी स्टेट के जो प्रतिनिधि होते थे उनके बीच में ओलंपिक खेल हुआ करते थे। इनमें खेल कूद के साथ साथ जो ओलंपिक्स होते थे उस समय में, खेल कूद के साथ साथ युद्ध भी होते थे और रथों की दौड़ भी होती थी। लेकिन उनके साथ साथ आज तक ओलंपिक खेलों का जो इतिहास है, जो पुराना जो इतिहास है, प्राचीन ओलंपिक है, वो आज तक रहस्य बना हुआ है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में किसी को भी सही जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बारे में अनेक बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ठीक है, द फर्स्ट एनिशेंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन ओलंपिक वैली इन 776 BC। यानी कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे, जो रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जो रिटन हिस्ट्री का हमारे पास जो रिकॉर्ड है, वो 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया नाम की घाटी में स्टार्ट हुए थे। अब अगर बात की जाए कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में अलग अलग बहुत सारी स्टोरी प्रचलित हैं, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। हर बुक में, मतलब जो बुक्स हैं उनमें भी अलग अलग स्टोरी हैं, लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं जिनके बारे में ये बोला जाता है कि हाँ, इसी तरह ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। मैं आपको एक दो स्टोरी बता रहा हूँ। उस समय यूनान में एक जीएस नाम का व्यक्ति था। तो जीएस क्या था, जीएस बहुत बहादुर था और उसकी आकांक्षाएं भी बहुत थी। तो जीएस क्या था, जीएस पूरे वर्ल्ड पे अपना अधिकार जमाना चाहता था। लेकिन जीएस को पूरे वर्ल्ड पे अधिकार जमाने के लिए राजा बनना था, और राजा बनने के लिए उसको अपने पिता से युद्ध करना था, क्योंकि उस समय राजा उसके पिता क्रोनोस थे, उनके पिता का नाम क्रोनोस था, वो राजा थे। तो जीएस को अपने पिता से युद्ध करना पड़ा। जीएस और उसके पिता क्रोनोस के बीच में काफी समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन बाद में उसके पिता की हार हुई और जीएस युद्ध में जीत गया। तो जीएस ने राज्य पर कब्जा कर लिया और अपने क्षेत्र को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बाद में जीएस को लोग अच्छा मानने लगे, जीएस ने अच्छे काम किए होंगे। तो जीएस की मृत्यु के बाद जीएस की याद में उसका मंदिर बनाया गया, और फिर जीएस की याद में उसका मंदिर बना तो लोग कहते हैं कि उसी की याद में उस समय ओलंपिया नाम की घाटी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा है कि यूनान में उस समय एक एलिस नाम का राज्य था, और जो एक स्टेट था, एक देश होगा, तो वो एक एलिस नाम का राज्य था। उसका जो राजा था उसका नाम आंगियस था। राजा का नाम क्या था, आंगियस। तो उस समय उसी राज्य में कोई हरकुलिस नाम का एक लड़का होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो हरकुलिस ने कोई गलत कार्य किया होगा। जब हरकुलिस ने गलत कार्य किया तो आंगियस राजा को बहुत गुस्सा आया, और आंगियस राजा ने हरकुलिस को सजा दी। सजा के तौर पर क्या किया, जैसे आपने सुना कि तबेला होता है, जहाँ पे जानवर रुकते हैं, भैंसे रुकती हैं, वो इस तरह के जानवर जहाँ रुके जाते हैं उस जगह को तबेला बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबेला था, तो राजा ने हरकुलिस को सजा दी कि आपको इस तबेले की सफाई करनी है, और साथ में ये भी बोला कि जब तुम इस तबेले की सफाई अच्छी तरीके से कर दोगे तो बाद में इस तबेले में जो पशुधन रहता है, जितने एनिमल्स हैं, मैं उसका 10% आपको दूंगा। हरकुलिस को सजा तो मिली, लेकिन हरकुलिस खुश भी बहुत हुआ कि चलो मुझे सजा के बाद, सफाई करने के बाद इस पशुधन का 10वां हिस्सा मिलेगा। हरकुलिस ने क्या किया, वहीं पे एक आलियस नाम की नदी बहा करती थी, उस तबेले के पास एक आलियस नाम की नदी बहा करती थी। तो हरकुलिस ने क्या किया, उस नदी का प्रवाह, हरकुलिस बहादुर था, हरकुलिस ने उस नदी का प्रवाह उस तबेले की तरफ मोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ कि नदी का प्रवाह तबेले की तरफ जाने से तो वो तबेला ऑटोमेटिक अपने आप ही साफ हो गया। बाद में राजा को पता चला कि हरकुलिस ने इस तरह से उस तबेले की सफाई कर दी, लेकिन बाद में राजा अपनी बात से मुकर गया, और राजा ने उसको जो 10% पशुधन का हिस्सा देने की बात की थी, राजा ने उसको मना कर दिया, और बाद में हरकुलिस को गुस्सा आया, तो हरकुलिस ने 10% पशुधन में हिस्सा ना मिलने के कारण आंगियस राजा की हत्या कर दी, और बाद में वहां का खुद राजा बन के बैठ गया। लेकिन राजा बनने के बाद में बहुत सालों तक राज्य किया, और उसको बाद में बहुत पछतावा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे राजा की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। तो उसने बाद में उसके प्रायश्चित के लिए कहते कि ओलंपिया नाम की घाटी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। इसी के साथ साथ और भी कितनी सारी कथाएं ओलंपिक के नाम पे प्रचलित हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री का जो हमारे पास रिकॉर्ड है, वो यही है कि 776 ईसा पूर्व 776 बिफोर क्राइस्ट जो प्रथम ओलंपिक खेल हुए थे ओलंपिया नाम की घाटी में, ओलंपिया वैली में स्टार्ट हुए थे। इसी के साथ साथ आपकी बुक में और भी कई सारी अलग से कथाएं दी जा सकती हैं, आप उन कथाओं को भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।